प्लीज ये इलेक्शन छिद्दा कसी ना करना, आप मुझे मजबूर मत करना कि मेरे मुंह से कहीं बुरी बात निकले। अभी सब क्या बोलते हैं, अगर मैं हाथ जोड़ता हूँ किसी को पांव पड़ता हूँ तो वो बोलते हैं बोकाड़िया जी तो जो हाथ जोड़ने पांव पड़ने वाला आदमी क्या इंपा चला है। ये कहीं उनकी सोच है यार, मजाक मजाक है, मतलब हाथ जोड़ना ही गुना है, पांव पड़ना ही गुना है। ये गुना मैं रोज करता हूँ सर, मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से सीखा और मैं इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मुझे बोल दे हाय बोकाड़िया। अगर मैं बोकाड़िया साहब बोलता हूँ तो आपको भी, मैं अगर राजदीप साहब बोलता हूँ तो राजदीप जी को भी मुझे बोकाड़िया साहब बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे इस बात का नशा है सर के लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे इस बात का नशा है कि लोग कोई मुझे जी और सर के बिना नहीं बोलते। हमने सर वो आलम देखा रजनीकांत वगैरह कोई एक्टर मेरे सामने सिगरेट नहीं पीते थे, इनको क्या पता सर, इनको क्या मालूम, इनको कुछ भी नहीं मालूम कि फिल्म लाइन इन्होंने देखा ही नहीं। इनकी इनके कोई मेंबर ने पिछले 4-5 साल में एक फिल्म भी बनाई हो तो बता दो, एक्सेप्ट पीपीडी ने जो पुलिस के लिए बनाई है, सब लाख 2 लाख रुपए में सर्टिफिकेट खरीद के और वो साले पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इनका की बात करते हैं और कैसी बुकाड़िया की बुराई की बात करते हैं। मेरा चेक वापस हो गया, अरे चेक वापस हो कुछ करता तो यार, वो जो पहाड़ों में बैठे हैं उनका तो ना चेक वापस होगा ना कुछ वापस होगा, तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो यार, तो किस चेक की बात करते हो, किस चेक की बात करते हो। मैं कोई प्रश्न बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं घंटों तक बोल सकता हूँ। आप मेरा एक पेज रिजर्नेशन का पेज जो है जो उन्होंने कल परसों छापा पूरे व्हाट्सएप को भेज रहे, क्या हो गया इनको, मैं बहुत इंटेलिजेंट समझता था उस ग्रुप के हेड को, लेकिन वो इस ने रिजाइन कर दिया सर। अरे तुम और एक अपनी कब्र खोद रहे हो, रिजाइन क्यों किया, क्यों करेगा आदमी, एक आदमी सर मैं आपको बोलता हूँ सर, बाकी अब जब खुली गए कार्ड ओपन तो मैं करता हूँ। पिछले इलेक्शन में सचिन जी मुझे बोला गया कि मैंने उनको बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा सर, बोले बोकाड़िया सर क्यों, मैं बोला नहीं, मैं सिटिंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को आपकी प्रॉब्लम रहेगी, आपके पास अभय सिन्हा जी है, आपके पास विनय सिन्हा जी है और आप मुझे उतारोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ग्रेसफुली खुद ही उतर जाता हूँ। मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरे माँ बाप की कसम, उनने बंद कमरे में मेरे पांव पकड़ लिए, उसने कहा तुम्हारे बिना मेरी गाड़ी पार नहीं लगेगी, वो आपकी यार मेरी बुराई करता है, क्या लाइफ करने वाला है सर। मैं सच्ची बोलता हूँ, मंदिर में जाने को तैयार हूँ, जा बोले टीवी साहब जाने को तैयार हूँ, वो उन्होंने मेरा ऐसा हाथ लगा के बोला कि आपके बिना मेरी गाड़ी पार नहीं लगेगी। चलो सर मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, उसके बाद अगेन आप लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे को हाईएस्ट वोट आया, हाईएस्ट वोट आने के बाद नेक्स्ट डे मैडम नेक्स्ट डे मुझे वहां जब उनके ऑथ लेने की टाइम ना तो मुझे धीरे से पूछते कि आपके डर्टी पॉलिटिक्स में कितना फाइनेंस है। मैंने कहा यार ये क्या स्टेज है क्या जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं आप, मेरा तो ललित मोदी का फाइनेंस है तो मुझे तो नहीं गई चाहिए। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि मैं जयप्रदा नाम अनाउंस करना, मैं बोलूंगा मेरी जगह आप जयप्रदा को बना लो, तो मेरा नाम उन्होंने लिया, मैंने जयप्रदा का बोल दिया, जयप्रदा उठ के खड़ी हो गई कि नो सर बोकाड़िया साहब का कद मेरे से बहुत ऊंचा, आई कैन नॉट ड्रीम टू बोकाड़िया साहब को हटा के मुझे बनाओ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर, मैं नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन का कारण वो खुद ही उन्होंने आप लोगों के सामने इस कार्ड को ओपन करने के लिए मजबूर, बिकॉज उनके बैड डेज चल रहे, बैड डेज मनी वाइज नहीं, बिकॉज इम्पा से जाने के बाद आपने चलो एक टेरिटरी का फाइनेंस कर दिया, हम तुम्हारे जिसके ऊपर इतना बड़ा आपका नाम लिखा हुआ टीपी अग्रवाल की प्रोजेक्ट फाइनेंस तो भरत भाई शाह का था, उसके बाद अगर मुझसे इतनी नफरत है, अगर लेला से नफरत है तो लेला की तस्वीर किसकी है, मेरा पोस्टर आपके ऑफिस में किसकी है, इतना बड़ा पोस्टर लगाया किसी अखबार प्रेजेंट, हम तुम्हारे सनम सर 1 करोड़ रुपया दिया, मैंने 1 करोड़ रिलीज पे वापस दे दिया, ब्याज का 1 करोड़ रुपया पिक्चर डिलेड होने से कोई भी प्रोड्यूसर होता था हाथ पांव जोड़ के छुड़वा लेता था, मैंने कभी जिंदगी में किसी को 1 रुपया कम नहीं किया, फाइनेंस आपने क्या किया सर, फाइनेंस मैंने किया, मैंने आपको बताऊं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर आज है मेरे सेट पे आया जी, फलाजी उसने बोला कि मेरी गारंटी है, मैंने उनकी पिक्चर को फाइनेंस किया 30 लाख रुपया, उसके बाद नॉन रिलीज के बाद पिक्चर बंद हो गई, फिर वही एक्टर मेरी कंपनी में काम किया, मैंने एक बोला यार लेट हो गई पिक्चर ब्याज नहीं चल रहा, एक दिन नहीं मांगा सर मुझसे, तो यार मुझे आप फाइनेंस की शिकार हो, फिर 1 करोड़ रुपया मैंने आपके आदमी रिलीज पे प्रोड्यूसर फसा हुआ क्या करता, जो लिखा ना लिखा ले, चेक दिया वो चेक बाउंस किया मेरे पे 138 दिए, मुझे 7 साल बेगना बगल कुत्ते की तरह पट्टे 17 लाख के लिए फिर 138 किया। अरे तुम टीपी साहब यार हम तुम्हारे साथ 10 साल से खड़े हैं,
उनको जरा भी विचार नहीं आ रहा किस पर केस कर रहे हैं, किस पर 15 लाख रुपए, उस 15 लाख के मैटर को लेके इनके पास और कोई हथियार नहीं। बोकड़ा मेरे पंजाब के भाई, हमारे दोस्तों के कहने पे रितु जी के, अच्छा किनके भी, सुभद्रा जी के, जिनके भी है, कुमार जी के, सब लोग अपने हिसाब से मेरा मान रखने आए। गुजरात में हम गए और वहां मेहुल जी ने सबने मिलकर, एक बरकत साहब है उनको फोन किया, उन्होंने हमारे लिए पार्टी का फोन किया। जब मैं गया पार्टी हो गई, 80 आदमी थे, 80% सर, उनको लगा कि पार्टी फ्लॉप हो जाएगी। तो 80 आदमी के बाद मैंने उसको बरकत जी को 5000 रुपए मैंने कहा आपने एडवांस दिया, वो आदमी ने खुदा की कसम भगवान की कसम उस आदमी ने नहीं दिया सर, मेरी क्या औकात है, काम आ गया, मुझे बहुत खुशी होगी, आइंदा रिश्ता रहेगा। मैं बरकत जी को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, प्लीज प्लीज। रुपया देके लोगों को बुलाया जाता है, रुपया देके सौदेबाजी होती है। 70 आदमी उनके आज आए गुजरात से टिकट लेके, जबकि सलाह बहुत ही वाइस है, जब इतना इंटेलिजेंट आदमी है तो उसको मालूम नहीं तो 70 आदमी कैसे। ये बर्तन जी ने आप तो बताओ सर, ये इंसान मैं कभी मिला भी नहीं, इसने सिर्फ मैं होती और मेरे नाम पे इस आदमी 5000 की रसीद कटवाई सर, ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो 5000 रुपया मेरे से नहीं लिया। मैं आई सैल्यूट यू सर, आई थैंक यू वेरी मच, आप आए पूरे गुजरात वालों को, पूरे पंजाब वालों को, और जो मेरे से बन पाएगा कमिटमेंट, कोई भी आदमी मेरी प्रेसिडेंट की केबिन में एंटर हो सकता है, कोई आपको चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं, कोई आपको किसी से रुकने की जरूरत नहीं, सीधा आओ, सीधा मुझे बताओ। हर महीने 2 महीने में एजीएम करूंगा, सारा पैसा उधर वेस्ट करूंगा, 1-to-1 डिस्कस करूंगा, और कुछ लोग तो हमारे साथ नहीं भी खड़े, एक एडवाइजर कमेटी बनाऊंगा जिसमें नॉन इलेक्टेड 10-15 लोगों के साथ महीने के महीने हम बैठक करेंगे उनसे। बिजली हुई दुकान को जमाना एक मारवाड़ी से ज्यादा किसी को नहीं आता। हमने सर बहुत अप डाउन देखा है, आप देखो मैं तब भी ऐसे ही था, भी ऐसा हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, खाना भी है। डॉक्टर जी मैं आपकी पूरी टीम को, आपके पंजाब वालों को और मेरे मद्रास के भी कुछ लोग आए सर, हम लोग क्या सर, हमारे तो स्कूल हुआ ना, आप मद्रास गए, इनके टीम में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्त थे, सचिन जी, उनकी पार्टी में एक आदमी नहीं गया, उसने कह दिया रिवर विद यू बिकॉज ऑफ केसी बुकाया, इफ इज नॉट देयर दे विल नॉट कम, एक आदमी नहीं गया। आज आए हो सब वो, लेकिन साईं बाबा के मंदिर में दे वर वेरी सीधी चले गए। चले हम कोशिश करेंगे बॉम्बे की सड़कों पे जो चार्ज हो रहा है शूटिंग चार्ज को बिल्कुल हटवा देंगे, उनको समझा उनको समझा यूपी का गवर्नमेंट अगर 2 करोड़ रुपया सब्सिडी देता तो आप तो यार क्या कर रहे हैं, आपकी बॉम्बे इज नॉट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, बॉम्बे इज नॉट फॉर सिटी विनायक मंदिर, ऐसा बॉम्बे इज नॉट फॉर, इससे कितना आपको रेवेन्यू होता, हार्डली होता है। आपको इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सुनील अरोड़ा मेरा बहुत अगर पांच की क्या भाई किस लिए, ये सब प्रॉपर कोई सोच नहीं था। मैं आखिर में एक बार बोलूंगा उसके बाद नहीं, एक बार जब अभी IMPAA की मीटिंग हुई थी ना था, उसमें सब गए, सचिन जी मैं भी था, उसमें टीपी जी थे सब थे, कपिल सिब्बल था, कपिल सिब्बल जी सब बैठे थे, उसने कहा मेरा एक्सपीरियंस है, मिनिस्टरों के सामने आते लोग बात ही नहीं करते, हाँ साहब हाँ साहब, हमारे राजस्थान में ना जब MLA का तो कुछ अच्छी अपने अपने नहीं देखा गया साहब ने, अरे यार उनको क्यों थोड़ा कॉम्प्लेक्स, किस बात का कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई अच्छा आदमी है तो छोड़ो उसको, हम सबके साथ अभी कभी भी है, मेरा तो नेचर ही नहीं है, मैं तो अपने समाज में मुझे हिंदुस्तान में बेस्ट सिटीजन ऑफ जैन समाज का अवार्ड मिला भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में। भोजपुरी फिल्म मैंने बनाई है, किसी को भी नहीं मालूम है, हमारा संसार 1988 में जब फिल्म इंडस्ट्री तब चंद्रशेखर जी के यहाँ में गया सर, उन्होंने बोला हम उनको इन्वाइट करने गए, उसने बताया सर महबूब खान स्टेज पे पर्दे हटाता था, साहब दर्जी थे, वो जब आए फिल्म लाइन में तो सबसे छोटे होंगे, हिट हुई बड़े हो गए, तो छोटा बड़ा कोई नहीं मेरे भाई, कब आपके मिलने आता बन जाएगी, कब आपके मारा इंडिया बन जाएगी, किसको पता है, तो आप सबको सैल्यूट है। हमारा मेरा MV रामन था वो डायरेक्टर,
वो बोलता है फिल्म लाइन में साला गधे को भी सैल्यूट करते, पता नहीं कब इसका टाइम आ जाएगा। तो मैं आपके आशीर्वाद से बोलते जाऊंगा, लेकिन टाइम हो गया, खाना भी खाना है, किसी को बोलने का नहीं मौका मिला, मुझे माफ कर दे। और इलेक्शन दो नहीं दो आपकी मर्जी, आप अगर जीताओगे तो बहुत कुछ कर दूंगा, नहीं जीताओगे तो भी कर दूंगा। हम लोगों के सचिन में एक समाज में एक है जिसमें हार्ट के बाईपास 400 हम लोग फ्री करते हैं। हमने टीवी साहब सर सब इनके टीम को पूछ लो, हमने कहा यार आपका वो मैगजीन निकलता है उस पर देव कोई भी फिल्म लाइन प्रोड्यूसर को बाईपास करवाना तो मुझे पहले मैं फ्री करूंगा। फिर मैंने कुमार जी के मैगजीन में भी डाला, उन्होंने नहीं डाला मैगजीन में, मैं आज भी कमेंट करता हूँ, नॉट प्रोड्यूसर, कोई भी फिल्म लाइन का वर्कर हो जिसके बाईपास की प्रॉब्लम हो, कल से ही कभी भी मेरे पास आ जाए, मैं बाईपास फ्री करवा के दूंगा उसको। ज्यादा तालियां झेल नहीं सकता, आप जितने तालियां बजाओगे उतनी मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी। हाँ सर, आप देखो एक आदमी ने परसों बाईपास करवाया, ठाकुर तपस्वी जी ना, परसों बाईपास करवाया, 95% ब्लॉकेज था, हमारे भी गए कोर्ट में खड़ा हो गया कि मैं कल कोर्ट देते हम लोग पूरी टीम और किसी लिस्ट में बहुत सारे हमारे अजीज दोस्त लोग आए हैं, नाम से सबको बुलाना मुश्किल होगा, मगर तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए ये हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या मराठी फिल्म इंडस्ट्री, ये जो इम्पा में के जो मेंबर्स हैं उन सब की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बदलाव जो होता है वो हमेशा बेहतरी के लिए ही होता है और हम कोशिश ये करेंगे। मैं खुद इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, इस ग्रुप में शामिल हूँ किसी बोकाड़िया साहब के, और हम इसकी बेहतरी की तरफ हम जो है कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका साथ जो है हमें ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें यकीन है कि ये साथ सबका जो आज यहाँ पे मौजूद थे वो भी, और जो दिल से चाहते हैं वोट करना वो भी, और जो बदलाव चाहते हैं वो हमारा साथ देंगे और हमें वोट देके हमें जिताएंगे। कल को अगर इम्पा जीतती और किसी बोर्डियों जीतते तो आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए बदलाव ये जो चीज़ होती है बेहतरी जो होती है वो सिर्फ बोली नहीं जाती, और मेरे ख्याल से बोलना ही नहीं चाहिए, कर दिखाना चाहिए। बोलने वाले लोग अलग होते हैं और करने वाले लोग अलग होते हैं, तो हम कर दिखाने वालों में से हैं, हम बोलने वालों में से नहीं हैं। जी थैंक यू। बहुत गर्मा गर्मी है, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी मैं काफ़ी समय दिया और सुन के ऐसा लगा कि सबको मौका देना चाहिए, और अभी तक जो लोग वर्क कर रहे हैं एक मौका केसी साहब को भी देना चाहिए, उनके ग्रुप को देना चाहिए, ताकि कुछ चेंजेस आएँ।